कैसे हैं आप तमाम? ठीक है। अच्छा, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। सेकंड पहले मैंने एक बनाई थी EMS, ये फुट मसाजर के ऊपर ईद पे बनाई थी, तो आज मैं इस पर एक दोबारा वीडियो बना रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि काम नहीं कर रहा। तो उस सिलसिले में मैंने वीडियो बनाई स्पेशली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आई हैं, मैसेजेस आए हैं कि वर्क नहीं कर रहा, मतलब ऑन होती है डिस्प्ले इसका, जैसे मैं अभी आपके सामने ऑन करती हूँ, ऑन होता है लेकिन ये काम नहीं करता। तो इसका क्या हल है, क्यों नहीं काम करता, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये सारा आगे मैं अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए, तब ताकि आपने पैसे लगाए हैं तो आप एटलीस्ट इस फ़ायदा तो उठा सकें, क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसे है कि जिनके पास आता गया है तो चल ही नहीं रहा, यानी पहुँचे सारी वर्क नहीं कर रहा, वो तो बहुत परेशान है कि पता नहीं चीज़ फेक निकली है, क्या मसला है, ख़राब निकला है, तो हमारे पैसे वेस्ट हो गए हैं। इसलिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसको हल करना है। असल में होता है कि इसके अंदर दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक तो उसका जो टर्मिनल पेंट है ये ख़राब हो सकता है, जिस वजह से वो इसको प्रॉपर करंट नहीं पैड के अंदर जा रहा, तब ये ख़राब मसला कर सकता है कि ये चल नहीं रहा, क्योंकि आन तो होता है डिवाइस ठीक है, डिवाइस के अंदर मसला नहीं है, डिवाइस ठीक है। डिवाइस का अंदर दूसरा मसला ये हो सकता है कि ये आपने इसके पीछे ध्यान रखना है कि इसके जो है ना ये इधर प्रॉपर टेप लगी होनी चाहिए, टेप कहीं से उतरी भी ना हो, ठीक है। और आगे में इसके जो और मसला हो सकता है वो ये है कि इसके अंदर जो दो प्लस माइनस टर्मिनल हैं उसकी हो सकता है तार उतरी हुई हो, ठीक है। वो भी आगे मैं चल के आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरह तार अक्सर हम जब मंगवाते हैं डिलीवरी वाले फेंकते हैं रास्ते में, तो डिवाइस को ज़रा सा कहीं ठोकर लगी तो अंदर से तार उतर गई, तो डिवाइस तो ऑन हो रही लेकिन करंट उसको जब इधर नहीं मिल रहा पैड के अंदर, तो ज़ाहिर है डेफिनेटली वो काम नहीं करेगी। तो अभी मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको रिपेयर करना है ताकि आपकी डिवाइस प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर दे। तो आ जाए आपको दिखाता हूँ मैंने इसको सबसे पहले, मतलब इसे छोटे स्क्रू से या इससे भी चेक कर लें, इससे भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि छोटे हैं ना, आपने कोई इस तरह का छोटा पेचकश लेके उसे ये चारों स्क्रू ओपन करने हैं और फिर चेक करना है कि इसके अंदर वायर वगैरह डैमेज तो नहीं हुई, यानी उखड़ी हुई तो नहीं है, और टांका अगर उखड़ा हुआ होगा तो ये प्रॉब्लम कर सकती है डिवाइस की। लाइट ऑन होती है अक्सर प्रॉब्लम मुझे आई है, कॉल्स आई हैं लोगों की कि ये हमारी डिवाइस ऑन होती है लेकिन ये इसके ऊपर वो जो करंट है वो फील नहीं होता, कुछ भी फील नहीं होता। तो उसकी वजह ये है कि ये जब इसकी तार उखड़ी होगी तो वो करंट दोनों प्रॉपर पास नहीं हो रही, एक करंट जा रहा लेकिन दूसरा नहीं जा रहा, जिस वजह से वो जो है ना आपकी ये वाला पैड काम नहीं कर रहा। अगर इसमें वो टांका भी ठीक लगा हुआ तो फिर आपने क्या करना है, इसको चेक करना है, आपने क्या करना है यहाँ इसके आसपास ना चार पाँच जगह पिने लगा देनी, कोई इस तरह की ये कॉपर वायर लेके थोड़ी सी ऊपर लगा के, तो एक इधर इसके नीचे देखना पिन के ऊपर से पिन कर देना है और इसको यहाँ इसके अंदर एडजस्ट ऐसे कर देना है, ऊपर से वो अपनी डिवाइस लगा देनी है ये इस तरह करके। तो क्या होगा कि कई दफ़ा होता है कि ये पेंट होता है टर्मिनल वाला पेंट, ये सब प्रॉपर डैमेज हो जाता है, इस वजह से ये वर्क नहीं करता। तो आपने ये काम करना, होप्स हो कि ये आपकी फिक्स हो जाएगा इशू। जो प्रॉब्लम था ना, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसका जो टर्मिनल था ना ये उतरा हुआ था, अभी ये वर्किंग में है, जैसे मैं ये उतारूँगा यहाँ से ये वाली उतरा हुआ था, मैं अगर आपको ये अभी हमने वैसे ऊपर रखा है, अब ये उतरा हुआ था टांका, ठीक है, जिस वजह से ये काम नहीं कर रही थी। अभी हम इसको जैसे ही दोबारा लगाएंगे तो ये अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, अभी वर्किंग में आ गई दोबारा से, देखें फोन हिल रहे हैं, मैं जैसे ही हटाऊँगा तो ये अभी रुक गई है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा था कि ये इसका टांका उखड़ा हुआ था, ये आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाएं जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, उससे ही आप जो है ना काविया से टांका लगवा लें छोटा सा, 50 रुपये ले लेगा आपसे, तो ये रिपेयर हो जाएगा, फिर वर्किंग करना स्टार्ट कर देगी ये। अगर डिवाइस का प्रॉब्लम नहीं होता तो उसका ये होता है कि जो इसका जो पेंट हुआ होता है ना, ये टर्मिनल पेंट ये ख़राब हो जाता है, उसकी उसका फिर जुगाड़ ये कि आपने करना कि इसके आस पास ना पिने लगा देनी है और कोई थोड़ी सी ना ऐसे ये कॉपर वायर होती है ये ढूंढ के ना छोटी सी, तो आपने एक इसके अंदर ऐसे मतलब ये इस तरह सेट करनी है और उसको ना किसी एक पिन के साथ जोड़ना है और फिर आगे ना कुछ क्रॉस पिने लगा देनी है ऐसे, ताकि ये टर्मिनल में करंट आना शुरू हो जाए, ठीक है, ये इस वजह से प्रॉब्लम बनता है। सेम इसी तरह थोड़ा सा काट के आपने इधर पिने लगा देनी इसके आसपास, तो ये वर्किंग स्टार्ट कर देगा। या फिर आपने पहले डिवाइस को चेक करना है, अगर डिवाइस के अंदर से तार वगैरह नहीं टूटी हुई तो फिर जो है ना आपका इसके अंदर मसला होगा, ये दोनों फॉल्ट हो सकते हैं, आपने इन दोनों को पहले इसको चेक करना है, अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर आपने इसमें जो है ना ये वाला काम कर लेना, फिर ये वर्किंग में आ जाएगी दोबारा। रिपेयर किया, आप ये देखें वर्किंग में है, देखें पाँव किस तरह जो है ना मूव कर रहे हैं, ये हमने नीचे टेप भी लगाया, इसका लाजमी ख्याल रखने का, आपने इसके नीचे टेप लाजमी लगा के रखनी है, देखें टेप को लाजमी लगा देना है, और मैंने जो बताया था कि पिन नहीं लगा देनी, देखिए पिन आपको नज़र आ रही होंगी, आप ये प्रॉपर वर्किंग करिए। बाकी हमारा ये डिस्प्ले का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी ये चल रही है और वर्किंग में है प्रॉपर, ये देखें